दहाई कैसे बनती है और दहाई बनने पर उसको हम दहाई के खाने में रखते हैं। तो याद रखना है कि इकाई में बड़े से बड़ा हिस्सा 9 रखा जाता है। इसके बाद जब दहाई बनती है तो उसको दहाई के खाने में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है मिसाल 9 जमा 6, 9 में 6 मिलाना है, मिलाने वाला वाले जमा करना है, तो 9 के आगे हमको 6 बढ़ना है, 6 आगे जाना है। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 15। क्या जवाब आया? 15। कितने? 1 2 3 4 5 15। शाबाश। तो देखिए यहाँ पर 15 यहाँ नहीं लिखा है, ये इकाई का खाना है, इसलिए हमको क्या करना है, इकाई में इकाई लिखना है सिर्फ, यानी यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 5 इकाई और दहाई लिखे हमको 1 1 2 5 15। इस तरह से मिसाल है। दूसरी मिसाल देखिए, यहाँ है 6 जमा 5, ठीक है, 6 में 5 बढ़ाए बढ़ाना है, 6 के आगे 5 गिनना है, गिनो 7 8 9 10 11। इतना जवाब आया 11। यानी 1 दहाई 1 11। यहाँ नहीं लिखते हैं हम पूरे जाए, क्योंकि यहाँ दहाई के आसमी है, तो इसलिए इकाई का 1 दहाई जो है इकाई 11 में 1 है, 1 इकाई है, यहाँ इकाई है और दहाई के पास में, तो दहाई के खाने में अपने लिखे 1 दहाई 1 11। अब हमको दो इंदी से अदद में दो इंदी से अदद मिलाना जमा करना, हासिल वाली जमा किस तरह से की जाती है ये मिसाल देखो। तो इसमें मिसाल है 36 जमा 25, 36 में 3 दहाई 6 इकाई और 25 में 2 दहाई 5 इकाई। तो इसमें जमा के अमल के अंदर जमा हो, ज़र्ब हो, तो तफरीक हो, इसमें हम सबसे पहले इकाई से शुरू करते हैं। तो हम पहले इकाइयों की जमा करेंगे, ये उसूल है रियाजी का, ये सबसे पहले इकाई की जमा की जाती है। 6 में 5 बढ़ाएंगे 7 8 9 10 11 11। तो 11 का 1, अब हासिल है दहाई और 1, तो यहाँ दाहिने कॉलम में लिखेंगे हम 1। अब ये दहाइयों की जमा कर लेंगे, सब दहाई है, तो 1 और 3 4 4 और 2 6 5 6, है ना, 4 में 2 मिला 6, यहाँ ये 6 लिखे हमने, दहाई 6 दहाई 6 6 दहाई 1 61 60 और 1 61। उसी मिसाल है 32 जमा 28, है ना, 32 जमा 28। तो देखिए 2 में 8 मिला 8 में 2 मिला, एक ही बात है, कोई भी अदद, लेकिन बड़े अदद में अगर छोटा अदद मिला है तो आसानी से जमा होती है। तो 8 के अंदर हमको 2 ही खाने आगे जाना पड़ेगा, 2 मरतबा गिनना पड़ेगा, 8 में 2 बढ़ाए 9 10, 10 का 0। अब यहाँ पर 10 जो लिखी है हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ पर दहाई भी इसके अंदर इकाई 0 है और 1 दहाई, यहाँ सिर्फ इकाई के अंदर सिर्फ इकाई लिखी जाती है और ये दहाई जो है दहाई के खाने में रखी जाती है। अब यहाँ पर दहाई की जमा करना पड़ेगी हमको, 1 दहाई 1 और 3 4 4 और 2 6। अब हमको हासिल हुआ जवाब 8। क्या जवाब हासिल हुआ?